दोस्तों, अभी भी हम 40 और 50 के दशकों में हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में, यानी कि हीरोइन की लिपस्टिक अभी लाल नहीं थी और आसमान का रंग नीला नहीं था। अगर कोई रंग थे तो जज्बात के रंग थे। ये वो जमाना था जब खेमचंद प्रकाश, श्याम सुंदर, एस डी बर्मन, हेमंत कुमार जिंदा थे, नौशाद का बोलबाला था और शंकर जयकिशन अवार्डों के रिकॉर्ड कायम करने की तैयारियां कर रहे थे। इन सब में एक सामान्य सूत्र थी, लता मंगेशकर। एक बार फिर स्वागत करें स्टेज पर लता मंगेशकर का। दोस्तों, लता जी के कार्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन से गाने ना गाए जाएं। इसलिए 40 और 50 के दशकों से हम विदा लें उससे पहले प्रस्तुत है कुछ चुने हुए उस दौर के गीतों की लड़ी, मेडली। और इसके साथ, इस मेडली के साथ आप देखेंगे आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक विजुअल मोंटाज भी, लता मंगेशकर। जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन या कोई घर, गांव या कोई वतन, देश नहीं होता, जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तखलीक का एक करिश्मा है। लता जी, लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मुश्किल है चाहत का भुला देना,
श्रद्धांजलि दी जा रही है मंगेशकर परिवार की ओर से। मंगेशकर परिवार में जन्म लेना और विशेषकर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का पुत्र होना संगीत की कोख से जन्म लेने के बराबर है।
हृदयनाथ जी के पुत्र बैजनाथ, हालांकि अपनी बुआ उषा जी की तरह एक सेंसिटिव पेंटर हैं, बैजनाथ ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पहले ली स्वर्गीय पंडित तुलसीदास शर्मा जी से, फिर पंडित रमेश झूले एवं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर से। आइए स्वागत करें बैजनाथ मंगेशकर का, और स्वागत करें 60 के दशक का। आप ताड़ ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, 40 और 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का और 80-90 के दशक। बैजनाथ मंगेशकर से हम वो गीत सुनेंगे जिसकी फिल्म ने हमारी कमर्शियल फिल्मों में एक नया रास्ता खोजा। प्यार अब ब्लैक एंड व्हाइट से धीरे धीरे रंगीन होता जा रहा था। अब प्यार का इजहार बर्फीले पहाड़ों पर उछल कूद करते हुए किया जा सकता था। आई लव यू की जगह सुकू सुकू और याहू कहा जा सकता था। इनफैक्ट लोकेशंस की अहमियत इस फिल्म के बाद बढ़ी हमारी फिल्मों में, एंड कश्मीर बिकेम अ रेगुलर बॉलीवुड लोकेशन। फिल्म जंगली वॉज अ प्रीकर्सर टू एन एंटायर genre of films. Ladies and gentlemen, Bajnath Mangeshkar. Ehsaan tera hoga mujh par, dil chahta hai wo, kehne do mujhe, tumse muhabbat ho gayi hai mujhe, palkon ki chhaon mein rehne do. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा। Thank you.
हस्तम। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, तमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, तमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नम। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। चार चराग तेरे मरण हमेशा, चार चराग तेरे मरण हमेशा, पंजवा में बारण आई भला झूले लालण, ओ पंजवा में बारण, ओ पंजवा में बारण आई भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी, हरदम पीरा तेरी खैर होए, हरदम पीरा तेरी खैर होए, नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण, हो नामे अली अली, हो नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा शाबाश कलंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, तमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हमारे गीतों में मिठास का दौर 60s में भी रहा। इस दशक में अल्फाज की शायरी की अहमियत और बढ़ी। जहां एसटी बर्मन, रोशन, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार हावी रहे, छाए रहे, वहीं मेलोडी की इस महानदी में कई और धाराएं जुड़ी। इनमें दो मुख्य नाम थे, आरडी बर्मन और लता मंगेशकर। लेकिन संगीत की बात शब्दों में नहीं सुरों में होनी चाहिए, लता मंगेशकर के स्वर में होनी चाहिए। फिर एक बार स्वागत लता मंगेशकर का।
दोस्तों, संगीतकार मदन मोहन के युग से पहले कहा जाता था कि गजलों को साजों की नहीं, साजों को गजल की रूह दरकार है। लेकिन मदन मोहन ने गजलों को साजों की वो सजावट दी कि गजलों के मुरीद हैरत में पड़ गए और कुछ हद तक हमारी फिल्मों में गजलों की उम्र दराज हुई। क्या ये सच है? सुने। जरासी आहट होती
सुने वो मदन भैया के थे। मैं मदन भैया को राखी बांधती थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका हर गाना ऐसा है जो सुनने के लिए शायद आसान हो पर गाने के लिए बहुत मुश्किल। और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि लता तुम मुझे ना नहीं कहा करो, जब मैं कहूँ कि गाना है तो तुम आ जाया करो। और उस ज़माने में क्या था कि मेरा काम इतना ज़्यादा होता था कि मैं टाल जाती थी। पर मेरी खुशनसीबी है कि मैंने बहुत सारे उनके गाने गाए और आज भी लोगों को वो अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाती हूँ जो शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर आर्टिस्ट की अपनी पसंद का एक कोई गाना होता है। ये गाना मुझे ना जाने क्यों शुरू से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो ताली बजाना मत भूलिए। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं
कुछ भी नहीं ऐसी भी बातें होती हैं ऐसी भी बातें होती हैं कुछ दिल ने बैठे हुए हैं और इस गाने में शर्मिला जी ये गाना गाती है और धर्मेंद्र जी उसमें हीरो थे। धर्मेंद्र जी नमस्कार और अमरीश पुरी जी आपको भी मेरा प्रणाम। लता जी आपने इतना सुंदर गीत गाया, स्पॉन्टेनियस तालियां सुनी, अब तो सच बोल दीजिए कि आपकी सच्ची उम्र क्या है। दोस्तों बड़े दिनों से चर्चा था कि आज के इस तारीखी प्रोग्राम में लता जी के साथ गाने के लिए और कौन से फनकार होंगे जो अपनी आवाज़ अपने सुरों से उन दिनों की असल तस्वीर बयां कर सकें। अब बदकिस्मती से मुकेश जी और रफ़ी साहब तो हमारे बीच है नहीं, फिर भी अमूमन हूबहू उनका अंदाज मौजूद है। बस यूँ समझिए कि वो हमारे साथ हैं, इसलिए स्वागत कीजिए मुकेश भोसले का
और मोहम्मद भोसले का AKA सुदेश भोसले। हरीश जी, आपने कहा कि मेरी उम्र क्या है, वैसे मैं 71 रनिंग हूँ, आप चाहे तो 1 इधर लगा लीजिए। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर नहीं, शोर शोर। पवन करे शोर, ठीक है? मैं आपको ठीक बोलने की मेरी हिम्मत का सारे आके मार देंगे पीछे। जी आ रहा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जी आ रहा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जी आ रहा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना।
शेर साहब
पुराना है लेकिन बालकनी वालों को अच्छा लगेगा। किसी ने कहा है, या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, वाह कौन बोलेगा, या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, उन हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करती है। और इससे पहले कि मैं गाना शुरू हमारे इन भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाए। शुक्रिया आपका। धरती का वो अनोखा इलाका केवल जहां पर बासमती